जनपद संभल की चंदौसी में कोरोना वायरस का व्यापार पड़ रहा असर, व्यापारी बैठे खाली। जिस तरह से कोरोना वायरस ने समस्त विश्व को प्रभावित कर रखा है, उसका असर अब व्यापार पर भी नजर आने लगा है। आज हमारे संवाददाता सरफराज अंसारी ने जनपद संभल की चंदौसी के बाजारों का जायजा लिया और वहाँ के व्यापारियों से बातचीत कर उनसे जाना कि कोरोना का क्या असर उनके व्यापार पर पड़ रहा है। इस विषय में व्यापारियों ने बताया कि कोरोना की वजह से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, जिसका सीधा असर हमारे व्यापार पर पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों ने लोगों से अपील की कि वह लोग कोरोना से बचाव के लिए बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर घूमें, कहीं पर भी भीड़ के रूप में एकत्रित न हों। कोरोना वायरस का असर पूरे विश्व में है और पूरे विश्व के बाद अब हमारे हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के संभल में भी एक महिला कोरोना वायरस से आशंकित है। और हमने बाज़ार का हाल जाना, लोगों से पूछा कि कोरोना वायरस के बचाव, और व्यापारियों से हमने पूछा कि कोरोना वायरस का व्यापार पर कितना असर है। तो व्यापारियों ने बताया कि व्यापार बिल्कुल एक तरह से मंदी से गुजर रहे हैं, कस्टमर कहीं नज़र नहीं आ रहा और काफ़ी दुकानदार परेशान हैं। और हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि ये मार्केट किस तरह से बंद है और लोग कैसे खाली बैठे हुए हैं। ज़रा कैमरामैन से कहूँगा मैं, दिखाएं सब पूरा हाल। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बाज़ार जो है दुकानें बंद हैं, व्यापारी खाली बैठे हैं, दुकानें बिल्कुल खुली हैं लेकिन कस्टमर नहीं है दुकानों पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता, समाज सेवी चंदौसी। क्या व्यापार करते हैं आप? मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ। तो कोरोना वायरस को लेके आप क्या बताएंगे, इसमें कैसा व्यापार चल रहा है आपका इस समय? कोरोना वायरस की वजह से व्यापार बहुत प्रभावित है। सुबह से लेकर शाम तक मुश्किल से दो या तीन ग्राहक ही दुकान पर आ रहे हैं। व्यापार इतना मंदा है कि व्यापारी अब क्या करे, कहाँ जाए? दुकान तो वो खोलेगा ही, लेकिन सारे दिन बैठे बैठे ऊब जाते हैं, पूरा मार्केट खाली पड़ा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा संभल ज़िले के सारे वासियों को कि जब तक ये कोरोना वायरस का प्रकोप है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, कोई भी सार्वजनिक आयोजन ना करें और मास्क पहनें, क्योंकि मास्क पहनने से और कि यदि किसी व्यक्ति को कोई खांसी या जुखाम है तो उससे वो दूरी बनाए रखें और उसको ये सलाह दें कि वो तुरंत अपना इलाज डॉक्टर से कराएं, जिससे और किसी को ये रोग ना हो। यहाँ है कि कोरोना का असर अब जनपद संबंध में भी दिख रहा है कि एक जापान से आई हुई महिला जो कि कोरोना आशंकित बताई जा रही है, उसको लेकर भी अलर्ट है और आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक तो वहाँ जो संभल में जो वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उसे वापस करा, वो गलत है। सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस पर विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्कीम है। पहले कभी प्लेग में सुनते थे, इतनी महामारी सी फैलती थी, लेकिन अब जो है प्लेग के बाद हम लोग तो यही देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। लेकिन जो कोरोना है, इसके लिए हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए, दूरी कम से कम एक मीटर की बना के रखें, और सबसे बड़ी बात है कम से कम लोगों को बाज़ार में निकलना चाहिए। अरे, इससे बाज़ार में क्या प्रभाव पड़ा है, व्यापार में क्या लग रहा है? देखिए, जब पब्लिक बाज़ार में नहीं आएगी तो निश्चित रूप से बाज़ार अफेक्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी काफ़ी प्रोडक्ट हमारे बाहर से आते थे वो सब आने बंद हो गए हैं, जिससे महंगाई बढ़ गई। जो स्टॉक है वो महंगे दरों पर बेचा जा रहा है, और जो सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह है वो भी काफ़ी पहले से महंगे हो गए हैं। तो बाज़ार तो बहुत मंदा है, बहुत बाज़ार में गिरावट दिख रहा है। बाज़ार में क्या कहना चाहेंगे? बाज़ार में काम का बहुत मंदा है, बाज़ार में काम है नहीं, क्योंकि हर किसी को यही डर है कि साहब भीड़ में ना जाएं, और हर कोई मास्क लगा के घूम रहा है, उससे और दहशत फैल रही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए कि क्या बचाव करें और अफवाह ना फैलाएं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि सब एक संगठित होकर ना रहें, कहीं भी कोई भी ये सभाएं वगैरह ना हो, कोई कार्यक्रम ना हो, जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर ही बैन लगना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम ऐसा ना हो जब पब्लिक इकट्ठी हो, और जो लोगों की शादियाँ हैं क्या कहेंगे आप? अब शादी में तो मजबूरी वाली बात है, उसमें तो इकट्ठे होते हैं, उसके लिए सेफ्टी यही है कि भाई ठंडी चीज़ों का सेवन कम करें और गुनगुना पानी पिए, ये डॉक्टर लोग बताते हैं, उन्हीं की राय पे हम चल रहे हैं। हाँ, मास्क लगा के रहे हर वक्त। अच्छा, आप किस तरह से सावधानी कर रहे हैं इसमें? हम तो अपनी मास्क में जब भी कोई कस्टमर से बात करते हैं तो जेब में मास्क रखे हुए हैं, मास्क लगा लेते हैं हाथ के हाथ, मास्क हमारे पास है,
मास्क को लगा लेते हैं, अगर कोई ज़्यादा दुकान में कस्टमर हो जाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। जी हाँ, क्या क्या बता रहे हैं कस्टमर? उनको भी यही बता रहे हैं कि मास्क लगा के रहो और जो है गुनगुना पानी पियो और भीड़ से दूर रहो थोड़ा। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? सीड का। तो जैसे कि आपका सीड का व्यापार है और लोगों से आपका संपर्क रहता है, तो आपके व्यापार पे कोरोना वायरस का क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर है, करीब 40-50% का असर है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लोगों से इस विषय में? कहना यही चाहेंगे, एक और आना है भैया, बच के रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो जैसे कि आपका जो काम किसानों जुड़ा हुआ है, तो किसान तो अपनी फसल में काम कर ही रहा है, तो फिर इसमें किसान से क्या मतलब? काम कर रहा है तो वो ज़्यादा आ नहीं रहा ना, जिस हिसाब से सेल होनी चाहिए उस हिसाब से सेल है नहीं, सेल का असर पड़ा है। तो कहना मतलब आपका यह है कि काश्तकार का, किसान का खेती पर भी प्रभाव पड़ रहा है इसका? पड़ रहा है।